हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर मिस्टर सिंह में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम एजूर के अंदर जो हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं उसकी सी ड्राइव को हम कैसे रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं हम अपने एजूर कंट्रोल पर चलते हैं। लॉगिन कर लेते हैं एजूर कंट्रोल पर। मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, पहले मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम उसको बाद में रिसाइज कर सकें, साइज ओएस डिस्क को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन ऐड करता हूँ। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ मैं, RG1। नाम आप कुछ भी दे सकते हो वर्चुअल मशीन का। रीजन में ईस्ट US ले रहा हूँ। विंडोज वर्चुअल मशीन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे सर्वर 19 लेता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आप साइज अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ से आप वो ले सकते हो। ठीक है, मैं अभी यही ले रहा हूँ। यूजर नेम डालते हैं यहाँ पे, उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड कंफर्म कर लेते हैं हम एक बार। RDP पोर्ट अलाउ करना है हमें, नेक्स्ट करते हैं हम। OSD टाइप में यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, बाकी सेटिंग में डिफॉल्ट रहने देता हूँ सारे। नेक्स्ट, बूट डायग्नोस्टिक में डिसेबल कर देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट करते हैं। एडवांस में मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, टैग अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे डिफॉल्ट छोड़ सकते हो इसको। तो मैं अभी टैग में भी कुछ नहीं डाल रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। रिव्यू कर लेते हैं एक बार। रिव्यू करने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके यहाँ पे राइट साइड नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा है, सबमिटिंग द डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट फॉर रिसोर्स ग्रुप। यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएशन प्रोसेस में हो गई है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं एजूर के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक पांच चीज़ें मतलब उसके साथ क्रिएट करता है आपकी वर्चुअल मशीन के साथ। ठीक है, पांच चीज़ें क्या क्या होती हैं आपकी, पब्लिक IP, नेटवर्क गेटवे, नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और वर्चुअल मशीन्स। तो यहाँ पे अभी क्रिएशन इन प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए आपकी यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है, तो हम यहाँ पे गो टू रिसोर्स करते हैं। ठीक है, मैं इसको वर्चुअल मशीन को एक बार एक्सेस कर लेता हूँ, RDP लेता हूँ इसको। यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, क्रिएट किया था, क्रिएट करते टाइम यहाँ पे अपडेट किया था, सॉरी। यस करते हैं। देखिए आपकी यहाँ पे वर्चुअल मशीन एक्सेस हो गई जो हमने क्रिएट की है। मैं यहाँ पे आपको इसका साइज भी दिखा देता हूँ, कितने GB की OSD इसके इसकी। यहाँ पे 130 GB की है आपकी, जो आपको 126 GB दिखा रहा है टोटल अभी। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट में जाके भी चेक कर लेते हैं एक बार।
तो देखिए यहाँ पे भी आपको ये आपका 127 GB शो कर रहा है आपका जो शेयर ड्राइव है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका साइज रिसाइज करना है। तो वो कैसे करते हैं, आप कम नहीं कर सकते हो बट बढ़ा सकते हो आप इसको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस मशीन को स्टॉप कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ अभी के लिए, ओके करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेरी वर्चुअल मशीन ये शट डाउन हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए हमारी वर्चुअल मशीन अभी स्टॉप स्टेट में आ गई है। तो इसके बाद हमें साइज ओएस डिस्क का साइज चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हम डिस्क में जाएंगे और जो हमारी ओएस डिस्क है, यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है ओएस डिस्क, आप ओएस डिस्क पे क्लिक करेंगे। ओएस डिस्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है आपकी। उसके बाद आप साइज एंड परफॉर्मेंस में जाएंगे, आपका अभी डिफॉल्ट 128 GB सिलेक्टेड साइज है यहाँ पे। अगर आपको चेंज करना है, कम ज़्यादा करना है, कम आप साइज नहीं कर सकते क्योंकि आपका डिफॉल्ट होता है। अगर आपने 130 GB ले लिया है तो अगर आपने उसमें डाटा रखा हो तो आप उससे कम नहीं कर सकते हो, बट अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 127 GB आपका है कस्टम, इसको मैं 150 GB कर देता हूँ रिसाइज। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम साइज जितना भी आपको लेना है। मैंने 150 GB इसलिए लिया है ताकि आपको मैं सिर्फ शो कर सकूँ डेमो, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से अपने वर्चुअल मशीन के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्क में आपको जो 127 GB दिखा रहा है अभी तक, आपको ये एक्सटेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वर्चुअल मशीन को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारी वर्चुअल मशीन अभी स्टार्ट हो गई है, तो मैं इसको पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ और इसको हम ब्राउजर में एक्सेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे अपने वर्चुअल मशीन को पब्लिक आईपी के थ्रू RDP से एक्सेस कर लिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें आपको साइज क्या दिखाता है और आपको साइज एक्सटेंड करने का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ मेरी विंडोज के अंदर, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर लिया है, मैंने यहाँ पे माई पीसी ओपन किया है, इसमें दिस पीसी। तो अभी आपको ये 126 GB साइज शो कर रहा है, बट अगर आप डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपने जो साइज एक्सटेंड किया है, मतलब 127 GB आपको दिखा रहा था पहले ये, और हमने 150 GB टोटल साइज किया है अभी सी ड्राइव का, ओएस डिस्क का। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 23 GB एक्सटेंड करने का ऑप्शन दे दिया है इसमें। आप इस साइज को इसके अंदर अगर आप एक्सटेंड करने तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो कैसे करते हैं, लेट्स क्लिक ऑन दैट एक्सटेंड। तो मैं यहाँ पे विंडोज का जो सी ड्राइव है उस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक्सटेंड वॉल्यूम करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। तो जो साइज हमने ऐड किया है वो सारा साइज आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल रहा है। अगर आपको कम साइज लेना है, मतलब 10 GB ऐड करना है, 15 GB ऐड करना है, तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको पूरा साइज ऐड करना है तो आप पूरा साइज यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो 127 GB था वो 150 GB सी ड्राइव हो जाएगा। तो इस तरह से आप ओएस डिस्क का साइज चेंज कर सकते हैं एजूर पोर्टल पे वर्चुअल मशीन्स के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देते हो तो आने वाले कुछ ना कुछ टाइम के बाद उसका ओएस डिस्क का साइज फुल हो जाता है। तो उस केस में आपको कैसे साइज एक्सटेंड करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप करके देखेंगे एक बार तो होप आप दोबारा से इजीली कर पाएंगे इसको और कभी भी कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं होंगे आपको, ठीक है। बट जब भी आप साइज रिसाइज करते हो ओ एस डिस्क का, तो आपकी वर्चुअल मशीन स्टॉप स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है। शो
होप गाइस काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको ये लेक्चर्स। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो क्लाउड्स लर्न करना चाहता है। ठीक है, तो आगे की वीडियो भी मैं आपको ऐसे ही बनाता रहूँगा, सारे के सारे 100% प्रैक्टिकल के साथ। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।